अब देखिए माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। कहाँ से कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है, किसका पैसा है वो? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया, अमीन की नियुक्ति किया, रेवेन्यू ऑफिसर को बहाल किया, सारे लोग आयोग से बहाल हुए, किसी का जमीन उमीन नहीं लिया बहाली में, है ना, पैसा लिया किसी से, सबका बहाली एकदम फेयर हुआ है बहाली। और उसके बाद सरकार विज्ञापन भी दे रही है, यह सही है, चूंकि सर्वे बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार के संज्ञान में भी है। जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय भू राजस्व मंत्री जी भी उसके लिए चिंतित है, उसके लिए दिशा में काम हो रहा है, और सरकार विज्ञापन इसीलिए प्रकाशित कर रही है कि भू अभिलेख का अद्यतीकरण अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको कागजात चाहिए। अब वंशावली के मामले में कंफ्यूजन फैल गया था कि सरपंच से करवाइए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो आदमी जिसका परिवार है वो वंशावली को खुद लिख करके दे देगा, अब कोई आपत्ति आएगी तो उसका निराकरण होगा। तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत है और ये भूमि सर्वे का काम बिहार के लिए आवश्यक है। लैंड डिस्प्यूट हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, तब नहीं ट्विटर बबुआ सब बोलते रहता है, नाप सलाप जो मन होता है सब बोलते रहता है। अब देखिए माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, व्यवसाय में थे, उनके व्यवसाय पर तुषारापात हो गया। ताबूत में किसके कील ठोका जाएगा ये तो 2025 में बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी, लेकिन मान्यवर प्रशांत जी यह तो बता दीजिए कि आपने पटना के कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीदवार को पैसा देंगे, कहां से कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है, किसका पैसा है वो? पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं तो हमको तो कोई डोनेशन देगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा हो, और इनका जवाब आया इसका, मैंने जब सवाल उठाया कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहा है तो कौन दे रहा है, नाम बताइए। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दाखिल किया कि नहीं? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। तो पैसा देने की बात आपने कैसे कहा? ये धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है, तो जो काला धन वाला लोग रहता है उसका दिल काला होता है, और जिसका काला है ना वो परमानेंट काला रहता है। पड़ेगा नहीं, कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई गड़बड़ करिए आप, सर्वे में क्या है? सर्वे में मान लीजिए कि जमीन है मेरे पास, अब जमीन हमको कोई दान में दिया, तो क्यों दिया दान में? उसको जमीन कहां से आया? रसीद कटवाया आपकी नहीं आपने? जमाबंदी खुलवाया कि नहीं? नहीं खुलवाया तो क्या कारण है? तो बेनामी नहीं होगा? ये बहुत लोग घन चक्कर में पड़ेंगे इसके, ये ऐसा इलाज है कि अगर सही तरीके से हो गया तो अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनका दिलो दिमाग ठीक हो जाएगा।